गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और आयु के 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। मानना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष, मानना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु x - 3 यानी क्या, अपने वर्तमान कितनी मानती है x, तो x में से 3 वर्ष पूर्व 3 - 3 5 वर्ष बाद रहमान की आयु x + 5 यानी कि x + 5 x + 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न अनुसार इनकी आयु के व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम यानी कि उल्टा, ये था x - 3 इसका उल्टा करेंगे तो 1 / x - 3 प्लस इनका योग यानी कि जोड़, तो प्लस बीच में 1 / x प्लस 5 बराबर है 1/3 हो जाता है। x माइनस 3 और x प्लस 5 इसका एलसीएम ले लेते हैं हम। एलसीएम आ गया इसका x माइनस 3 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3 1/3 x और x 2x 5 में से 3 गया 2 x माइनस 3 और x माइनस 5 इनके हमने कर दी मल्टीप्लाई गुणा और अभी कर देंगे हम r पर गुणा 1/3 के साथ 3 की गुणा हम करेंगे 2x और प्लस 2 के साथ और 1 की गुणा करेंगे x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 यानी कि 15 तो ये आ जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 बराबर है 6x प्लस 6 इनकी r बार गुणा करने पर क्रॉस मल्टीप्लाई तो हमें इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 21 अभी जो माइनस 4x है 4x है इसके हमने ऐसे टुकड़े करने हैं कि यदि हम जोड़े या घटाएं तो कितना आए 4x और इनकी गुणा करें तो गुणा आनी चाहिए 21x स्क्वायर माइनस 4x के टुकड़े की गुणनखंड किए 7x माइनस का और प्लस का मैंने लिया 3x अब माइनस 7x में से 3x प्लस का घटाएं तो माइनस का 4x बच गया और इनकी गुणा करेंगे 7 दिया 21 और x से x को गुणा किया x के बराबर है 0 x हमने कॉमन ले लिया इनटू x - 7 + 3 x - 7 बराबर है 0 अब एक गुणनखंड तो x - 7 है यानी कि x - 7 इसमें से लेना हमें हमारा बन जाएगा x + 3 और x - 7 अब x का मान ज्ञात करेंगे x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 3 एंड 7 आयु ऋणात्मक होनी होती इसलिए जो माइनस 3 है उसको हम नेगलेक्ट करते हैं उसको छोड़ देते हैं अतः रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 दिया है यदि एक क्लास में से खाली गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है यदि एक क्लास में शेफाली के द्वारा दो विषय का टेस्ट दिया है गणित का और इंग्लिश का तो योग कितना है 30 है यदि गणित में उसको दो अंक अधिक मिलते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता उसके द्वारा दोनों विषय प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए तो माना गणित में प्राप्त अंक x माना गणित में प्राप्त अंक x उनके अंकों का योग दिया कितना 30 तो अंग्रेजी में कितने प्राप्त किए अंग्रेजी में प्राप्त अंक 30 में से x को माइनस कर दें 30 माइनस x अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि गणित में उसे
दो अंक अधिक मिलते। गणित में पहले कितने माने हमने x, तो x प्लस 2, और इंग्लिश में उसे तीन अंक कम मिलते, तो इंग्लिश में उसने प्राप्त की है 30 माइनस x, और इसमें 3 को माइनस कर देंगे, और जिनकी गुणा करेंगे तो गुणा कितनी आ जाएगी 210। ये हो जाएगा हमारा x प्लस 2 इंटू 30 में से 3 को माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 27 माइनस x इज इक्वल टू 210। x प्लस 2 और 27 माइनस x इनकी अब गुणा कर लेंगे, x को 27 से गुणा किया ये आ जाएगा 27 x, x को x से गुणा किया ये आ जाएगा माइनस x स्क्वायर। अब 2 से गुणा करेंगे 27 की, तो 27 मिलता है 54, और 2 को माइनस x से गुणा करेंगे ये आ जाएगा माइनस 2x इज इक्वल टू 210 यानी कि 210। बड़ी घात वाला सर हम पहले लिखेंगे, तो बड़ी घात किसकी है माइनस x की, तो हम लिखेंगे माइनस x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 2x प्लस 54 बराबर 210 माइनस x स्क्वायर 27 में से 2 को मैंने माइनस किया प्लस का 25 यानी 25x प्लस 54 210 के साइड चेंज करके किस चीज का जाएगा माइनस का, माइनस 210 इज इक्वल टू 0 बराबर 0 होगी, माइनस x स्क्वायर प्लस 25x समन को बता देंगे 10 में से 4 गया माइनस का 6 यहां पे बच गया 10, 10 में से 5 गया 5 अर्थात 157। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। यह आया है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 156 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये आरंभ क्या माइनस, इसको माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, पूरी समीकरण को माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर किस चीज का प्लस का माइनस 25 यानी कि 25x और प्लस का हो जाएगा 156 बराबर है 0। अब हमें जो 25 है 25 है उसके गुणनखंड करने हैं, उसको फैक्टराइज करना है इस प्रकार कि हम यदि इसका जोड़ करें या घटाएं तो माइनस 25x आए, तो गुणा करें तो गुणा कितनी आनी चाहिए 156 है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर हम ले लेंगे माइनस का 13x माइनस का 12x, 12 और 13 जोड़ेंगे माइनस माइनस प्लस हो गया, जोड़ किया तो माइनस 25 25 अगर 13 के 12 की गुणा करेंगे तो कितनी आएगी 156 और x से x गुणा किया x स्क्वायर। अब हमने x ले लिया कॉमन x माइनस 13 यहाँ पे माइनस 12 कॉमन ले लेते हैं तो ये जगह माइनस 13 बराबर है 0। अब एक गुणनखंड तो हमारा इन दोनों में से एक ले लेंगे x माइनस 13 एक बन जाएगा x माइनस 12 इंटू x माइनस 13 x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे तो x का मान आ जाएगा प्लस का 12 या 13, तो उसके द्वारा प्राप्त कर तो उसके द्वारा प्राप्त अंक हम 12 भी मान सकते हैं और 13 भी मान सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों मान धनात्मक है पॉजिटिव है, x हमने किस में माना था गणित में, अतः गणित में प्राप्त अंक गणित में किसने अंक प्राप्त किए 12 ले ले या 13 भी ले सकते हैं 12 ले सकते हैं, अंग्रेजी में कितने प्राप्त किए टोटल अंक कितने थे, टोटल अंक थे 30, तो 30 में से इसको माइनस कर देंगे 30 माइनस 12 यानी कि 18, तो उसने गणित में 12 अंक प्राप्त किया और अंग्रेजी में 18। अगर हम 13 को मेंशन करेंगे तो उसने गणित में 13 अंक प्राप्त किए और अंग्रेजी में 17। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है,
एक आयताकार केंद्र का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो केंद्र की भुजाएं ज्ञात कीजिए। केंद्र की भुजाएं ज्ञात कीजिए। केंद्र किस प्रकार का है? आयताकार। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 खेद बना लेते हैं। ये खेद है आयताकार। आयत की आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। ये हमारा खेद हो गया। अब इन्होंने यह है कि एक आयताकार खेद का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेद की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हमें मानना पड़ेगा छोटी भुजा। मानना छोटी भुजा, मानना छोटी भुजा, मानना छोटी भुजा। छोटी भुजा को हम x मेंशन कर लेंगे। क्या मेंशन करेंगे? x, x मान लिया। अब ये कह रहा है कि बड़ी भुजा, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। कितनी अधिक है? 30 मीटर। ये हमारी बड़ी भुजा है तो ये हो जाएगी x प्लस 30 यानी कि 30। अब इसका विकर्ण बताया है। इसका विकर्ण जो है वह है, इसका विकर्ण है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। x प्लस 60 कर देंगे। विकर्ण, खेद का विकर्ण ये हो जाएगा x प्लस 60। यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, प्रश्नानुसार चलेंगे। तो यहाँ पे ये बन गई हमारी राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बन गई? राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। तो किसका प्रयोग करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? ये होता है हमारा कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। तो कर्ण क्या हमारा? कर्ण हो जाएगा x प्लस 60 इज इक्वल टू, आधार कितना है? x प्लस 30। लंब कितना है? x प्लस x का स्क्वायर। यहाँ पे कौन सी सर्वसम्मिति का यूज होगी? कौन सा फॉर्मूला यूज हो गया? a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का वर्ग। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 60 × 120x प्लस 6×6 = 3600 यानी कि 3600। यहाँ पे भी वही सरसमी का यूज होगी। x प्लस 30 है, इसका स्क्वायर है स्क्वायर वर्ग। तो a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे हम। यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 30 × 60x 3×9 900 और प्लस x स्क्वायर। अब ये x स्क्वायर इस x स्क्वायर से इस x स्क्वायर को हम कर देंगे कैंसिल। अब हमारे पास बचता है x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 900 प्लस 60x 60x इसकी साइड चेंज की, दूसरी तरफ जाके हो गया -120x -120x और ये जगह -3600 बराबर है 0। तो x स्क्वायर 120 में से 60 गए माइनस के 60x 3600 में से 900 घटाए, कितने बच गए? माइनस के 2700 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700। अब जो 60 है उसके हमने टुकड़े करने हैं तो 90 और 30 हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 90x और प्लस का 30x। 90 में से हम 30 को माइनस करेंगे तो माइनस के 60x
और माइनस 2700, अगर हम 90 और 30 की गुणा करेंगे तो कितनी आएगी 2700। एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, पहले फैक्टर बना लेते हैं, एक्स प्लस 30 इंटू एक्स माइनस 90। एक्स का मान क्या किया हमने, तो एक्स बराबर आ गया माइनस का 30 और प्लस का 90। अब कोई भी खेत है, आयत है, उसकी भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए जो माइनस 30 इसको नेगलेक्ट करेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो x का मान कितना आ गया 90। x को हमने क्या माना था, छोटी भुजा, अतः छोटी भुजा, अतः खेत की छोटी भुजा, छोटी भुजा 90 मीटर, बड़ी भुजा, बड़ी भुजा हमने 30 मीटर अधिक थी इससे, तो 90 प्लस 30 यानी कि 120 मीटर। खेत का विकर्ण, खेत का विकर्ण कितना जाएगा, छोटी भुजा से कितना अधिक था, छोटी भुजा से 60 अधिक था, 90 प्लस 60 की हो जाएगा 150 मीटर, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। छोटी भुजा होगी कितनी, छोटी भुजा हो जाएगी 90 मीटर, बड़ी भुजा कितनी आ गई 120 मीटर, खेत का विकर्ण आ गया 150 मीटर, ये आंसर है।